त्यौहार हमारा हिंदुओं का बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कल परसों दीपावली का त्यौहार आने वाला है, उसके ऊपर जो बाजार के अंदर जो मिठाइयाँ बिक रही हैं उनको मैन्युफैक्चर करने वाले कौन हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने वाले कौन हैं, उसकी तरफ किसी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। वो इन्फोर्समेंट विंग वाले जो खाद्य विभाग का इन्फोर्समेंट विंग है, वो जाके छोटी छोटी दुकानदारों को पकड़ रहे हैं, जाके छोटे छोटे दुकानदारों के सैंपल भर रहे हैं, लेकिन उन मैन्युफैक्चरों की तरफ जो मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, जैसे अखनूर में है, आरसपुरा में है, मुट्ठी में है, रूपनगर में है, जगह जगह उन लोगों ने अपने गंगियाल में इंडस्ट्रियल एरिया में, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, वहाँ उनकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। क्यों नहीं जाते हैं, इसका कारण वो अच्छी तरह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्यों वहाँ पर नहीं जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे दुकानदारों को जाके सैंपल भर रहे हैं। आज हॉस्पिटल के अंदर जाओ लाइनें लगी हुई हैं, किसी का लिवर इन्वॉल्व हुआ है, किसी की किडनी इन्वॉल्व हुई है, किसी का, उसका मेन कारण क्या है, यही मिठाइयाँ जो हमें इस दीपावली के ऊपर भी बिक रही हैं और पहले भी जी इंडस्ट्री पूरी चल रही है। जैसे एक हमारे लवली वाले हैं, लार्ज स्केल के ऊपर उनका माल आता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, लखनपुर से क्रॉस करके इधर आता है, इतना गंदा माल। मुझे देखो बेसन का रेट 120 रुपये किलो, लड्डू बिक रहा है उनका 70 रुपये केजी, जबकि लड्डू बनाने के अंदर उसके अंदर बेसन, बेसन के साथ उसकी गैस और उसकी चीनी वगैरह सब इस्तेमाल, 290 रुपये किलो अपने रेट है इसका, क्या नाम है अपना पनीर का, 290 रुपये किलो गवर्नमेंट रेट है, 280 रुपये किलो गवर्नमेंट रेट है खोए का, जबकि गुलाब जामुन और इसके अंदर अपने रसगुल्ले के अंदर यही दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बाजार में आके 220 रुपये किलो बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कौन बेचने वाला कौन है। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इसकी तरफ ध्यान दें, नहीं तो एक एम्स क्या 10-10 एम्स बना लो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, तो सब कुछ है, ये मनुष्य रूपी जो हमें शरीर मिला, जो परमात्मा ने हमें दिया है, ये इससे खिलवाड़ करने वाले कौन है, ये हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, या हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है।